डीडवाना के राम बस रोड स्थित गोकुलधाम कॉलोनी में 8 माह से नहीं आ रहा है नलों में पानी। लंबे समय के बाद आज गोकुलधाम कॉलोनी के लोग इकट्ठा होकर अपने वार्ड मेंबर नौमान पार्षद के सामने अपनी समस्या बताई। वार्ड वासियों का कहना है, जलदाय विभाग के अधिकारी को कई बार अवगत करा दिया लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पानी सप्लाई खोलने के बाद भी 10 मिनट से ज्यादा पानी नहीं आता, जिस कारण से कॉलोनी वासियों को महंगे दामों पर पानी का टैंक कर खरीद कर पीना पड़ रहा है। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा आपके? मैं तो तीन साल हो गया, तीन साल में मैं तो एक आधी टंकरी पानी की बंदे की टंकर नकावार पानी पीमा बाप जी, वो दोनों नकावार टंकर हर कन्या घर बढ़िया समझ से आ रही है पानी की, बिल्कुल गन्या रही है पानी। आप लोग नेता बने तो पानी की समस्या तो करो कम से कम, तो कन्या की आशीष लागे। की गोकुलधाम सोसाइटी में कितने दिनों से पेयजल पानी नहीं आ रहा है और कितने दिनों से परेशान हो, और कितने दिन से अगर आता है तो कितने दिन से पानी आता है? 6 महीने से ये साल भर से ये प्रॉब्लम चल रही है, किसी व्यक्ति के घर में पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, और पानी 8 दिन से एक बार खोला जा रहा है। जलदाय विभाग को सूचित कर दिया गया है और पार्षद साहब को भी इसके बारे में बताया गया है, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक इसका नहीं हुआ है। तो इतने दिन नहर बंदी थी, उस समय तो 8 दिन से दिया जा रहा था, लेकिन अब नहर बंदी खुलने के बाद अब पानी कितने दिन से दिया जा रहा है? नहीं, वही 8 दिन से अभी है, पहले भी 8 दिन से पानी था, नहर बंदी तो अभी बीच में हुई थी, उससे पहले भी 8 दिन से पानी दिया जा रहा था। इस सोसाइटी में 40 घर ऐसे हैं जिन लोगों को पानी मतलब 10 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आता है किसी के घर में। इसी समस्या को लेकर पार्षद साहब को बुलाया गया है और कल सुबह विधायक महोदय से मिला जाएगा। तो आपकी बात जो जलदाय विभाग के जो अधिकारी है जी, उनके सामने कभी रखी है आपने? बिल्कुल रखी है। राजस्थान के कुछ अंचलों के अंदर नहर बंदी हुई थी जो कि अब पूरी तरह से खुल चुकी है और नोखा दरिया के अंदर पानी शुरू हो गया है, इसके बावजूद भी डीडवाना की कुछ कॉलोनी है जिसके अंदर पानी आज भी त्राही माम मचा हुआ और पानी बराबर नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपके क्या प्रयास है और क्या समाधान करोगे? प्रयास यह है, कुछ घरों में पानी नहीं आ रहा, नहरबंदी की वजह से काम रुका हुआ था, एमएलए साहब